नवयुवक। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो युवक। मुझे मेरा नाम श्रवण है, श्रवण कुमार। सुंदर है श्रवण, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है मुनि श्रेष्ठ? आपके वस्त्र तो आपका परिचय देते हैं, परंतु आपके शस्त्रों से आपका परिचय समझ में नहीं आता। तुम मुझे मेरे वस्त्र देखकर मुनि कह रहे हो, परंतु मेरा ये धनुष, मेरा परशु, ये तो मुझे मुनि सिद्ध नहीं करते। उच्च कुल का तो सिद्ध करते हैं। उच्च कुल? मेरा कर्म जाने बिना ही केवल मुझे देखकर ही तुमने मुझे उच्च कुल का सिद्ध कर दिया। आप अवश्य किसी शेष ऋषि की संतान हैं, परंतु मैं एक वैश्य मुनि और छोटी जाति की माता की संतान हूं। श्रवण, तुम्हें अपनी माता को छोटी जाति का कहते हुए लज्जा आनी चाहिए। माता तो माता होती है, जो पूजनीय होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। श्रवण, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् विजोच्यते। क्षमा करें, मैं तो आपका विचार करके कह रहा था। मेरे हाथ से जल लेकर श्रवण, वायु हर श्रेणी के व्यक्ति को छू कर आती है, और हर श्रेणी के लोग उसी वायु से अपनी श्वास भर लेते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं। सूर्य की किरणें भी सभी के लिए समान होती हैं। श्रवण, मेरा अर्थ समझ रहे हो ना? लाओ मुझे जल दो, मैं बहुत प्यासा हूं। सुखी रहो। हे मुनिवर, आप मुझे अपना परिचय दें, बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आज से आप मेरे आदर्श हैं। श्रवण, मैं ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र परशुराम हूं। जन्म से तो ब्राह्मण हूं, किंतु कर्म से मुझे क्षत्रिय बनना पड़ा। भगवान परशुराम, अहो भाग्य मेरे जो मुझे आपके दर्शन हुए। एक दिन स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने निकला हूं। वो जो बैठे हैं मेरे माता पिता हैं। परंतु मुझे वहां कोई रथ या अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा श्रवण, जिसमें मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास रथ आदि साधन नहीं है, किंतु माता पिता की इच्छा को पूरा करना हर संतान का धर्म भी है एवं कर्तव्य भी। इसलिए इन दोनों को कांधों पर उठाए तीर्थों की यात्रा करने निकला हूं। श्रवण कुमार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता का परम भक्त होने का मेरा अहंकार तो चूर चूर हो गया। मुझे अपने चरण स्पर्श कर। नहीं 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 नहीं, आप मुझे पाप का भागी ना बनाएं। आपका यश तो पूरे संसार में सूर्य किरण की भांति फैल चुका है। अब चलिए, चलकर मेरे माता पिता को दर्शन देकर धन्य कीजिए। श्रवण, मैं भी उन माता पिता का दर्शन करके धन्य होना चाहता हूं, जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। चलो चलिए। माता पिताश्री, भगवान परशुराम पधारे हैं। हमारे धन्य भाग। हे भगवान परशुराम, हमें अपने चरण छूने दीजिए। नहीं माता, चरण स्पर्श तो मुझे आपके करने चाहिए। हे माता, मैं आपके पुत्र से मिलकर धन्य हो गया। आपके स्पर्श मात्र से हमें मोक्ष मिल गया। नहीं माता,
आपके दर्शनों से मुझे सन्यास प्राप्त हो गया। इस संसार में इससे अच्छा दृश्य और कोई हो ही नहीं सकता कि एक पुत्र के कंधों पर माता पिता तीर्थ यात्रा कर लें। माता, अब मुझे विदा दीजिए, मुझे महाराज जनक के पास पहुंचना है। श्रवण, मैं हृदय से कामना करता हूं और आशीष भी देता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक पुत्र धर्म की मर्यादा रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।